को। नमस्ते कुमार भाई। नमस्ते भैया, सुनील भैया, शमला दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। आरबी पाटिल भैया एसोसिएट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जवाहरलाल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि एमजीएम यूनिवर्सिटी औरंगाबाद मतलब अभी छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में, वहां से है भैया। यूएच के साथ में ऑनलाइन मोड में ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड में जुड़े हुए हैं, तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू यू भैया। जी धन्यवाद भैया। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? भैया आवाज थोड़ी सी धीमी। जी नमस्ते सभी को। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ ठीक है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक। जी श्रद्धेय ए नागराज जी को शत शत कोटि प्रणाम। हमारे गुरुवर्य कुमार संभव जी को मेरा प्रणाम। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं दिए गए हुए बिंदुओं से अपनी शेयरिंग रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि यशवंत जी ने अभी मेरा परिचय बताया, मेरा नाम आरबी पाटिल है। मैं यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में एमजीएम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू अभियांत्रिकी महाविद्यालय के यंत्र विभाग में बतौर सहयोगी प्राध्यापक काम कर रहा हूँ। मैंने 1997 में टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया था। इस इंस्टीट्यूट को मैंने 2004 में ज्वाइन किया है, तो 26 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी है मेरा। माई बेटर हाफ इज लॉयर बाय ट्रेनिंग, शी इज अ होम मेकर। मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अभी इंजीनियर बन चुका है, उसका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कैंपस सिलेक्शन हो चुका है। हाँ वो आरबी अभी पटेल क्या भैया थोड़ी जी सी आवाज बढ़ सकती है क्या? थोड़ी लो। जी जी क्या मुझे फिर से शुरू नहीं करना नहीं नहीं पड़ेगा? भैया वो ठीक है, वो ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ थोड़ी सी आवाज। हाँ जी। जी। मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा इंजीनियर बन चुका है, अभी छोटा 11वीं कक्षा में वाणिज्य शाखा में कॉमर्स में पढ़ रहा है। तो ये मेरा संक्षिप्त में परिचय था। बचपन से ही मुझे अध्यात्म की ओर रुचि रही है, क्योंकि परिवार का रुझान उस तरह था। अद्वैत वेदांता का मैं काफी फॉलोअर हूँ, तो उसके वजह से एक जिज्ञासा बनी हुई थी। और उपकार है सार्वभौमिक मानवीय मूल्य विषय का, जिसके वजह से जो जानकारियाँ थी उसमें एक सटीकता आई है, और काफी मैं अपने आप में भी काफी परिमार्जन तो नहीं कहूंगा, लेकिन परिवर्तन महसूस करता हूँ। तो इतने संक्षिप्त संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा बिंदु है कि मेरी समझ इस 4 महीने के प्रोग्राम के दौरान क्या हुई। चुनाव मैं अपने आप के बारे में अभी काफी अच्छा जान सकता हूँ। सेल्फ एंड बॉडी, दीज आर द टू यूनिट्स, दे आर इन को एग्जिस्टेंस इन अ ह्यूमन बीइंग। इसका काफी अच्छा समझ विकसित हुई है। प्रकृति के बारे में, प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है, हमें उस व्यवस्था को जानकर हमें उस व्यवस्था को जानकर उसके साथ हमें जीना है, यह भी काफी हद तक समझ में आया है। और उसी प्रकार मैं अपने अपने जीवनचर्या को ढालने की कोशिश करता हूँ। एग्जिस्टेंस या अस्तित्व, यह एक सह अस्तित्व है। इसके बारे में समझ तो विकसित हुई है, पर यह नहीं कह सकता कि पूरी तरह से अभी उसके बारे में जान पाया हूँ।
एक्सप्लोरेशन जारी है। एंड मेरा ये मानना है कि अगर हमारे कोर्स के साथ जुड़े रहने से हम मानव आचरण के बारे में एक तरफ हमारी कल्पना शक्ति को, कल्पनाशीलता को, चिंतन, बोध और अनुभव की तरफ करते हुए, और अगर हमारी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जीवन जीने का कोशिश करेंगे तो ह्यूमन कंडक्ट के बारे में जरूर पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसका केवल अभी आरंभ हुआ है ऐसा मैं कह सकता हूं। तो ये मेरा शेयरिंग था दूसरे बिंदु के बारे में। अभी मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूं, एक्सरसाइज वन, जो कि चैतन्य से चैतन्य को देखना है, ऑब्जर्विंग द सेल्फ बाय सेल्फ। तो इसका समझ में तो आया है और काफी हद तक इसके इसी के वजह से मेरे अपने जीवन में भी काफी परिवर्तन मैं महसूस करता हूँ, और इसी बारे में मेरे सहपाठियों और सहकारियों से भी मुझे फीडबैक मिलते रहता है। केवल एक्सरसाइज वन में जो वर्णित 7 स्टेप्स है उसमें कभी कभी 7वां जो स्टेप्स है कि अपने आप में जो भाव है वो भाव संबंध अस्तित्व और संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के है, यह इंश्योर करना, इसमें थोड़ी सी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे कि लगातार अभ्यास करने की वजह से कुछ ही समय में वापस उस पर लौट कर आता हूँ, और उसके वजह से मेरे जीवन यापन के तौर तरीके में काफी परिवर्तन मैं महसूस करता हूँ। तो यह गुरु जी का उपकार रहा है कि पहले जो कल्पनाशीलता में केवल विचारों का बवंडर मचता था, तो अभी विचार के पीछे जो भाव है, जो संस्कार है, उसे मैं बड़ी ही स्पष्टता से देख पाता हूँ, और यह भी देख पाता हूँ कि चाहे बाहरी परिस्थिति जो भी हो, व्हाट एवर मे बी द ट्रिगर, तो डिसाइड यानी निर्णय तो मैं ही करता हूँ, और यह भी मैं जान चुका हूँ कि जो निर्णय मैं करता हूँ वो क्या वो सही समझ पर आधारित है या मान्यताओं पर या संवेदनाओं पर आधारित है। तो इसका अभ्यास करते रहने की वजह से अभी काफी हद तक ऐसे ऐसे परिस्थितियों में मेरा जो निर्णय प्रक्रिया है वो सही समझ पर आधारित हो रही है, ऐसा मेरा अपना मूल्यांकन है। केवल कभी कभी थोड़ा सा आंदोलित हो जाता हूँ, लेकिन अपेक्षा करता हूँ कि कुछ समय में इस पर भी काम करते हुए मैं वांछित स्थिति पर पहुंच जाऊंगा। अभी एक्सरसाइज टू, जो कि ऑब्जर्विंग द बॉडी बाय द सेल्फ, शरीर का चैतन्य द्वारा निरीक्षण, तो इसमें तो कोई कोई संभ्रम अवस्था नहीं है। ये दो इकाइयां है मुझ में, जो जिनका सह अस्तित्व है, एक है शरीर जो ग्रॉस मटेरियल है, एंड दूसरा है सेल्फ जो कि कॉन्शियसनेस यूनिट है। ये तो मैं बड़ी अच्छी तरह से समझ पाता हूँ, यह भी समझ पाता हूँ कि इन दोनों में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है,
जो ये सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो इसमें जो स्वयं है, जिसे सेल्फ भी कहूंगा, उससे सूचनाएं शरीर को जाती हैं और शरीर से संवेदनाएं स्वयं के तरफ आती है। लेकिन किस संवेदना को महसूस करना है, किस संवेदना को पढ़ना है और किस संवेदना पर कार्य पालन करना है, इसका निर्णय तो पूर्णतः स्वयं का यानी मेरा होता है। और इसी दृष्टि से स्वयं को मैं सियर, डूअर एंड एक्सपीरियंसर के तौर पर जान गया हूँ, समझ गया हूँ। और उसके वजह से काफी ये जो एक्सरसाइज वन है उसमें भी काफी सहायता हुई है। ये जो चौथा स्टेप है कि आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन मी एंड सेंसेशन, संवेदना और मुझ में अंतर है, इसके वजह से भी काफी सारी भागदौड़ कम हो गई है, काफी सारे आवेश भी कम हो गए हैं। और पांचवा जो स्टेप है कि मेरा जो बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन है वो संवेदनाओं के माध्यम से होता है, लेकिन जो भी संवेदनाएं जिन परिस्थितियों में आती है, परिप्रेक्ष्य में आती है, उसे अर्थ देने का काम तो मैं ही करता हूं। तो इसमें ये तो मैं नहीं कह सकता कि हर क्षण इस बारे में इसका एहसास मस्तिष्क में रहता है, लेकिन काफी हद तक इस पर भी एक अच्छी समझ बनी है। लेकिन कभी-कभी थोड़ा सा परिस्थितिवश कारणों से जब इससे हट जाता हूं तो फिर थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। छठा जो स्टेप है रोल ऑफ संस्कार्स, तो ये मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा था अद्वैत वेदांता का मैं काफी फॉलोअर रहा हूँ, तो वहां से ही मुझे इसका भी ज्ञान मिला था कि ह्यूमंस हैव टेंडेंसीज वासनाज एंड दीज वासनाज एंड टेंडेंसीज लीड टू द संस्कार्स। तो ये तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के इस पाठ्यक्रम के वजह से अभी मैं ये समझ पाता हूँ कि यह जो संस्कार है जो मूल रूप में मुझे कभी किसी संवेदनाओं को अर्थ देने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो इस संस्कार संस्कार का चयन क्या मैं मेरी मान्यताओं के आधार पर करता हूँ या मैं मेरी सही समझ के आधार पर करता हूँ? इस पर जो मैं अर्थ दे रहा हूँ वो काफी हद तक निर्भर है, ये तो मुझे समझ में आ गया है। और मेरी कोशिश रहती है कि मान्यताओं से दूर हटकर सही समझ और सही भावनाओं के साथ किसी भी परिस्थिति से उत्पन्न संवेदनाओं को एक साक्षी भाव से देखा जाए। काफी हद तक उसमें भी मैं सफल हो गया हूँ, लेकिन अभी इस पर काम करना बाकी है। अब इससे ही जुड़ा एक मुद्दा जो बार बार हमारे पाठ्यक्रम में आया था कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हैप्पीनेस, तो इसके बारे में तो अभी मेरे मुझ में कोई दो राय नहीं है। बाहरी सिचुएशंस चाहे जो हो वो ट्रिगर्स हो सकते हैं, लेकिन उससे कैसे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, प्रतिक्रिया देनी है या प्रतिसाद देना है, यह तो मेरा अपना निर्णय है। ये मैं समझ गया हूँ। और एक जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो मैंने पाठ्यक्रम से जानी है वो है कि मैं ज्ञाता हूँ, यह अस्तित्व, इस अस्तित्व में मेरी भूमिका, यह ज्ञेय है यानी नोन है, और चिंतन, बोध,
के माध्यम से अनुभव तक पहुंचना यह ज्ञान की प्रक्रिया है। तो अभी अगर मैं मेरी अपनी कल्पनाशीलता के बारे में बताऊं तो अभी भी काफी हद तक B2 ब्लॉक में ही मैं अपने आप को पाता हूं, लेकिन इस पाठ्यक्रम के वजह से और मेरी शुरुआत से ही स्पिरिचुअल परसूट्स होने की वजह से B1 ब्लॉक के तरफ भी गति बन रही है, लेकिन यह नहीं कह सकता कि कभी मैं अनुभव या अनुभूति के उच्चतर स्तर पर पहुंचूंगा या नहीं। पर सर जी ने जो बात कही थी, गुरु जी ने जो बात कही थी कि इस कल्पनाशीलता के विस्तार में जब हम B2 ब्लॉक से B1 ब्लॉक की तरफ जाते हैं सही समझ और सही भाव के आधार पर, तो एक छोर पर हमें सह अस्तित्व के अनुभूति के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसे शक्ति के तौर पर गुरुजी ने रितंबरा बताया था, और दूसरी छोर पर हमें सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, मानवीय परंपरा की तरफ हमारी भागीदारी के बारे में भी आकर्षित होना है। तो मुझे लगता है कि यह एक मार्गदर्शक पथ है जिस पर चलने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि यही मेरी आज के लिए शेयरिंग है। फिर से एक बार मैं अपना प्रणाम एंड आभार व्यक्त करता हूँ गुरु जी को, सभी गुरुवर्यों को और साथी एक्सप्लोरर्स को। इस 3-4 महीनों के दौरान कई बार मुझे ऐसा लगा कि साथी एक्सप्लोरर्स जो सवाल पूछते थे वही सवाल मेरे मस्तिष्क में भी रहता था और बड़े ही ध्यान से मैं सुनता था। तो उससे भी मुझे बड़ा ज्ञान मिला, मेरे जो भी ये कन्फ्यूजन्स थे वो काफी हद तक स्पष्ट हुए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये कोई दूसरे हमारे अभियंत्रिकी अभ्यासक्रम के जैसा अभ्यासक्रम तो है नहीं, इसमें अभ्यास निरंतर आवश्यक है और उसके लिए मेरे प्रयास जारी रहेंगे। अभी मैं 31 तारीख से शुरू होने वाले हमारे अगले बैच के लिए बड़ा ही बेसब्री से इंतजार किए कर रहा हूँ। मैंने उसके लिए मेरा नाम रजिस्टर्ड भी किया है। तो बस इतनी सी बात थी जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर कोई गलती हो गई हो, कहीं चूक हो गई हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। आप जिम्मेदारी के बारे में आप कुछ बात रखना चाहते हैं, कमिटमेंट के बारे में? हाँ जी, वो भूल गया मैं। अभी फिलहाल मैं अपने महाविद्यालय में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज 2 पाठ्यक्रम, मैं कभी ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं करता कि पढ़ा रहा हूँ, छात्रों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 5 बार मैंने शेयर किया है, हर बार मुझे अपने आप में काफी स्पष्टता महसूस हुई और छात्रों से भी काफी अच्छे इनपुट्स मिले। तो वो एक मेरी भागीदारी है। कई बार मैंने ये भी महसूस किया है कि मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आता हूँ और हमारे यहाँ पर ये पाठ्यक्रम प्रथम सत्र के विद्यार्थियों के लिए था। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे विश्वविद्यालय में शुरू हो गया है, तो अभी वो थर्ड सेमेस्टर शिफ्ट हो गया है। तो काफी सारे कक्षा के छात्र संगणक अभियांत्रिकी या दूसरे शाखाओं से थे, लेकिन ये इसी अभ्यासक्रम का उपकार है कि अभी वो छात्र
उनके अंतिम वर्ष में पहुंच चुके हैं, फिर भी वो मुझे यूएचयू टीचर के नाम से जानते हैं, और जहां पर भी मिलते हैं कैंपस में या कैंपस के बाहर, तो उनका एक अलग से लगाव महसूस होता है। कई बार तो उन्हें मेरा नाम वो भूल जाते हैं, लेकिन सर आप हम मेरे यूएचयू टीचर थे ऐसा कहते हैं, तो मुझे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। दूसरी ओर हमारे वेस्टर्न रीजन के वीकली मीटिंग्स होते हैं शनिवार और रविवार को, तो उसमें भी मैं नियमित रूप से सहभागी होने की कोशिश करता रहता हूँ। मंथली मीटिंग्स है, उसको भी मैंने अटेंड किया है। यहाँ पर मुझे ये कहना चाहता हूँ कि सब शुभ के लिए अर्थशास्त्र, ये जो कुमार संभव जी का टॉपिक था, तो उसी दौरान में हमारे अंतिम वर्ष यंत्र अभियांत्रिकी विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ा रहा था, तो सर जी का वो लेक्चर सुनकर मुझे काफी अच्छे इनपुट्स मिले, और उसके ऊपर फिर हमने दो सेशंस हमारे फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के कक्षा में लिए थे। तो हर मंथ का जो टॉपिक होता है वो मुझे बड़ा ही उनका चयन जो है बड़ा ही मुझे अच्छा लगता है। उसमें भी मैं सुनता रहता हूँ, क्योंकि अद्वैत वेदांता का जो प्रणाली है अभ्यास का, तो उसमें ही है कि चिंतन मनन निधि ध्यासन। तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, तो ये मेरा सहभाग या जिम्मेवारी पार्टिसिपेशन अभी है इससे। और एक हमारे महाविद्यालय में जो वैश्विक मानवीय मूल्य का एक सेल बना हुआ है उसका भी मैं सदस्य हूँ, इससे यही मेरा एक इसमें पार्टिसिपेशन है। जी जी अश्विन भाई, जी नमस्ते सभी को पुनः। आरबी भैया की शेयरिंग अच्छी रही, उन्होंने बिंदुवार ढंग से अपनी प्रस्तुति की। थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आरबी पाटिल भैया का उम्र कितना है अभी? 52 सर। अच्छा बढ़िया, तो अभी तो आपको कॉलेज में सेवा के लिए भी समय है और आगे भी कार्य करने के लिए बहुत सारा समय है। अभी आप जो 7th बैच में जुड़े, पहला बैच था आपका या इससे पहले भी आपने अटेंड किया था? जी पहला बैच था बढ़िया, आपने कहा भी है कि 8th बैच में जुड़ना चाहेंगे और बारीकी से ऑब्जर्व करना चाहेंगे। तो जी एक जी तो सर। ये है कि जैसा आपने शेयर किया कि आपका संस्कार कुछ पहले से ही ऐसा रहा कि एक ज्ञान के प्रति आपके अंदर जिज्ञासा रही है उसको पूरा करने की, और आपने खुद से भी बहुत सारा अध्ययन किया है, और उसी क्रम में अभी आप यूएचबी के कंटेंट का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो वो जो आपका पुराना संस्कार है आपको निश्चित रूप से बहुत सहयोग करेगा इसमें। पूरा प्रस्ताव एक बार आपके सुनने में आ जाए। आपने UHV 2 वर्कशॉप भैया कर लिया है? जी सर जी जी बढ़िया, तो और बारीकी से हर एक मुद्दे पे ध्यान जाएगा, और अभ्यास 1 और 2 को और विधिवत करने की जरूरत है। परंतु जिन निष्कर्षों को आपने रखा, जितना आप देख पा रहे हैं और जैसा विनय भैया ने भी शेयर किया कि आपका व्यवहार पहले से ही सबके लिए बहुत ही सहज रहा है, तो ये जो आपकी पूंजी है पहले से बहुत सहयोग करेगी आपका, और बहुत अच्छी संभावना है संभाजी नगर में। वहाँ एक अच्छी टीम तैयार हो रही है, आप लोग साथ साथ मिलकर बहुत सारा काम भी करने का मन बना रहे हैं, तो मुझे एक बहुत अच्छी संभावना दिख रही है। अब ये दिखता है कि स्वयं में अनुभव के लिए जो काम करने के लिए एक तैयारी होनी है वो मुख्य मुद्दा है, और व्यवस्था भागीदारी का अवसर आपको मिला हुआ है तो उसमें भी फैल कर भागीदारी करने की जरूरत है। जब आपने भागीदारी के बारे में शेयर किया तो स्वयं के लिए तो आप बहुत सारा कुछ अभी कर पा रहे हैं, मीटिंग अटेंड करना, मॉर्निंग सेशन अटेंड कर पाना, बट आप देखेंगे टीम के साथ और जुड़कर क्या उसमें जोड़ सकते हैं और क्या भागीदारी कर सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामना भैया। जी सर, धन्यवाद सर, मैं प्रयास करूँगा।